अस्सलाम वालेकुम मिडिल क्लास गर्ल, आपके साथ मौजूद है। आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है पावर्टी। आज मैं आपको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन पूरी दुनिया को तीन हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। एक है कोर, सेकेंड इज सेमी पेरिफेरी एंड थर्ड टाइप इज पेरिफेरी। अकॉर्डिंग टू दिस, पाकिस्तान जो है सेमी पेरिफेरी में, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज में आता है, क्योंकि इसकी रनिंग का डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टिल रनिंग में है। जहां तक पावर्टी की बात है तो कुछ मसाइल के साथ कुछ और मसाइल खुद ही जन्म ले लेते हैं। जैसे पावर्टी के साथ हम ये देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी रीजन क्या है, पॉपुलेशन, हर दिन पॉपुलेशन का कंटिन्यूसली इंक्रीज होना। हम देखते हैं आए दिन नेट पे, टीवी पे, अखबार पे ये देखते हैं कि गुर्बत की वजह से इस खानदान ने खुदकुशी कर ली, या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी नौजवान ने पुल से छलांग लगा के सुसाइड कर ली। इस इन मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये इकदाम उठा सकती है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो और हमारा जो पाकिस्तान का यूथ है वो एक पॉजिटिव इनकम अर्न करना शुरू करे और माशरे का पॉजिटिव शहरी साबित हो। सेकेंडली, इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है। कोई स्किल इन्हांसमेंट का कोर्स कर ले यूथ, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इससे क्राइम रेट भी हमारा कम होगा और सेकेंडली हम जिससे एक फर्द एक माशरे का अच्छा शहरी और अपने खानदान वालों के लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।